तो यार जब भी हम लोग कोई हॉरर मूवी डरते हुए देखते हैं और उसमें जब भी कोई हॉरर सीन आता है, हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज आती है कि अगर हम मेन कैरेक्टर की जगह होते तो क्या कर रहे होते, एंड डेफिनेटली हम वो तो नहीं करते जो शायद उसने किया। और यही चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हॉरर गेम सबसे बेस्ट चीज है। तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गेम्स गॉसिप इंडिया, और आज मैं आरव और आयुष आपको इस वीडियो में बेस्ट हॉरर गेम्स ऑफ ऑल टाइम के बारे में बताएंगे। तो अगर आपका दिल थोड़ा सा कमजोर है यार, तो इस वीडियो में बताए गए गेम से दूर ही रहना। डार्क डिसेप्शन एक काफी अमेजिंग हॉरर गेम है। इस गेम को डेवलप और पब्लिश करा है ग्लूस्टिक एंटरटेनमेंट ने। बेसिकली ये गेम एक स्पूपी टाइप का हॉरर मेज गेम है जो कि काफी एंटरटेनिंग है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। इस गेम की मंकी वाली मेज तो बहुत ही फेमस है और आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इसे खेलते हुए भी देखा होगा। अगर आप एक कम्प्लीट हॉरर और रेज गेम ढूंढ रहे हो तो डार्क डिसेप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगी। अगर आप लोग अपने पीसी पर हॉरर गेम्स खेलते हो तो आपने डेफिनेटली आउटलास्ट तो जरूर से जरूर खेला होगा, और ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर गेम एवर मेड में से भी एक है। बेसिकली ये एक फर्स्ट पर्सन हॉरर सर्वाइवल गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश करा है रेड बैरल्स ने। इस गेम की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट माइल्स अफसर के साथ, जो कि डिसाइड करता है एक मेंटल हॉस्पिटल को इन्वेस्टिगेट करने को। उसके बाद उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है ये तो आपको गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप एक बढ़िया सा हॉरर गेम ढूंढ रहे हो तो ये ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी चॉइस रहेगी आप लोगों के लिए। विसाज एक इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकल हॉरर वीडियो गेम है जो कि सेट है एक अजीब स्ट्रक्चर्ड हाउस में। हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट ड्वेन एंडरसन को, जो कि उस हाउस की बैक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहा होता है। गेम में काफी सारे हॉरर ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं और एक्सप्लोरेशन के टाइम काफी सारे जंप स्केयर्स वाले मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि हर हॉरर गेम में होते ही है। Dying Light 2 Stay Human एक एक्शन रोल प्लेइंग जॉम्बी सर्वाइवल गेम है जो कि बेस्ड है Dying Light के इवेंट्स के 22 साल बाद की कहानी पे। और एक गेम में एक न्यू प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है एडन कॉलवेल, जिसके पास भी अमेजिंग पार्कर स्किल्स हैं। इस गेम को डेवलप और पब्लिश कर रहे हैं टेकलैंड ने। अगर आप एक ऐसा गेम ढूंढ रहे हो जिसमें जॉम्बीज प्लस काफी सारे हॉरर एलिमेंट्स देखने को मिले तो इस गेम को मिस मत करना। मेडिसन एक फर्स्ट पर्सन साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया है ब्लडियस गेम्स ने। अब यार ये गेम सच में आपको काफी इमर्सिव और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि आपको एक डार्क रूम में स्पॉन कर दिया जाता है और आपको मेडिसन जो कि एक डेविल है उसके रिचुअल से बचना होता है और सर्वाइव करना होता है। इस गेम को भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा सा हॉरर एक्सपीरियंस ट्राई करना हो तो। फैज़मोफोबिया एक हॉरर इन्वेस्टिगेशन सर्वाइवल गेम है जिसे हम लोग फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से खेलते हैं। इस गेम को डेवलप और पब्लिश करा है काइनेटिक गेम्स ने। बेसिकली गेम में हम लोग सोलो और मल्टीप्लेयर यानी ग्रुप में भी खेल सकते हैं, जिसमें हमें मिलके पता लगाना होता है कि कौन सी साइट पे किस टाइप की गोस्ट हंटिंग चल रही है। गेम में आपको हॉरर एलिमेंट्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं और गेम फन टू प्ले भी है क्योंकि आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। तो अगर आपको एक बढ़िया सा गेम चाहिए जिसमें आप लोग मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो और आपको हॉरर वाले एलिमेंट्स भी चाहिए तो ये काफी अच्छी चॉइस रहेगी आप लोगों के लिए। पॉपी प्ले टाइम एक बढ़िया सा हॉरर सर्वाइवल गेम है जिसे अमेरिकन इंडी डेवलपर एमओबी गेम्स ने डेवलप एंड पब्लिश करा है। गेम में हम लोग एक टॉय मेकिंग कंपनी प्ले टाइम के फॉर्मर एम्प्लॉय होते हैं जो कि 10 साल बाद उस कंपनी के फैक्ट्री में जाता है। गेम में हमें पजल सॉल्व करते हुए टास्क पूरे करने होते हैं और यार इसके चैप्टर 1 में एक चेस सीन है वो बहुत ही एपिक है, और आपने काफी सारी यूट्यूबर्स को इसे खेलते हुए भी देखा होगा। अगर आपने नहीं खेला इसे तो जाके खेलो यार, क्या कर रहे हो। अब लाइन से पीसी गेम्स के बारे में ही बात हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया सा हॉरर गेम बता दूं आपके मोबाइल फोन्स के लिए। आइज एक काफी बढ़िया हॉरर गेम है जो कि आपके मोबाइल एंड पीसी दोनों पे चल जाएगा। इस गेम में हम एक थीफ का रोल प्ले करते हैं जिसे एक हॉन्टेड मेंशन से मनी बैग्स को कलेक्ट करना होता है, और उस बीच हमारे पीछे एक स्कैरी सा मॉन्स्टर भी पड़ा होता है जो कि एक्चुअली में बहुत टेरिफाइंग है। इस गेम का बीजीएम भी बहुत खतरनाक है जो कि आपके रोंटे खड़े कर देगा। अगर आप एक मोबाइल गेमर हो तो इसे यार जरूर से जरूर ट्राई करना। Until Dawn एक इंटरैक्टिव ड्रामा हॉरर गेम है जिसे Supermassive Games ने डेवलप किया है और सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट ने इसे पब्लिश किया है। इस गेम में हमें मौका मिलता है 8 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का जिन्हें ब्लैकवुड माउंटेन पर किसी तरह सर्वाइव करना होता है। इससे ज्यादा मैं स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि आपको खेलने में फिर मजा ही नहीं आएगा। अब क्योंकि ये एक चॉइसेस वाली गेम है तो आपकी चॉइसेस गेम को आगे बढ़ाने में बहुत मैटर करती हैं, और इस गेम के हॉरर एलिमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग है यार, तो इसे अपने रिस्क पे खेलना। अब यार ये गेम ना एक्चुअली में नंबर 1 वाला स्पॉट डिजर्व करती है। लिटिल होप एक ऐसी टेरिफाइंग चॉइसेस वाली हॉरर गेम है जिसको आपको एक बार तो जरूरी खेलना चाहिए। गेम की स्टोरी तो मैं यहाँ पे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इस गेम की स्टोरी ही इस गेम की जान है। पर्सनली मैंने इसे खेला है और मैं एक चीज श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि गेम खेलते वक्त आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। गेम में जितने भी इंटेंस मूवमेंट है उनकी चॉइसेस, उनकी हॉरर एलिमेंट्स, उनके बीजीएम और मेन बात उनके ग्राफिक्स टॉप नॉच है। इस गेम में एक हॉलीवुड एक्टर विल पॉल्टर भी है जिनको आपने मेज रनर जैसी मूवीज में देखा होगा। बाकी अगर आपको एक बेहतरीन गेम खेल ली है तो इसको जरूर से जरूर चेकआउट करना।
वेल गाइस, तो ये थे कुछ अमेजिंग हॉरर गेम्स जिनको खेल के आपकी हालत जरूर खराब हो जाने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ और हॉरर गेम्स के बारे में जानना है स्पेशली फॉर एंड्रॉइड, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। एंड अगर आपको कुछ स्केरी गेम क्रीपी पास्तास के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स का टारगेट है, आई होप आप करवा दोगे। अगर हो गए तो इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाएंगे। बाकी गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मिलता रहेगा ऐसे ही गेमिंग कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।